আরে কেন খরিদ আজি না তুমি হামসে দূরি রাখি হ্যাঁ ये मेरा है अखा? मेरे गर्लफ्रेंड ने दिया मुझे गर्लफ्रेंड हाँ yeah. इतना बड़ा रोटी मोटा रोटी दिया है कि लगता है नहीं है हम लोग का सुबह का नाश्ता है पूरी और सोयाबीन ले चुके हैं जो कि और पानी आ रहा देख सकते हैं आप लोग कुछ भी पानी गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मॉर्निंग ब्लॉग तो कैसे आप सब मेरे ख्याल से तो गाइस आज हो चुका है मेरा दिल्ली में 15 दिन तो भाई साहब मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि भाई साहब घर जाने की खुशी तो अलग ही होती है तो आज मैं बहुत खुश हूँ और घर भी जा रहा हूँ तो गाइस आप लोग बता दे तो अभी मैं हूँ दिल्ली जंक्शन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली जंक्शन तो चलते हैं आप घर गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है हमारा ट्रेन का डब्बा है B2 और सीट नंबर है 14 और 16 तो सामान वहाँ सारा कुछ रख दिए हैं अब भाई के डब्बे में चलते हैं और वहाँ जाके उससे थोड़ा बातें सादे करते हैं मस्त सो के उठ चुके हैं 3.5 घंटा सो के उठने के बाद अभी हम लोग आगे पहुंचे हैं कानपुर में देख सकते हैं ये है कानपुर का स्टेशन बहुत भीड़ है भाई और हल्ला गुल्ला इतना है कि क्या बताए ये हमारे शिवा भाई जो है ले चुके हैं क्या लिया भाई बोले यही क्या बोला इसको अंडा अंडा और अंडा बिरयानी खाना भी ले चुके हैं अंडा और बिरयानी दो दो प्लेट एक भाई उधर खा रहा है एक हम इधर खा रहे हैं तो एक प्लेट का लिया है 60 रुपये खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है A few moments later. आ चुका है ये चावल और अंडा और रोटी मस्त खाएंगे अभी भैया लेके आए हैं खा के देखते हैं टेस्ट कैसा लगता है यहाँ का ये है आम का अचार गाइस इतना बड़ा रोटी मोटा रोटी दिया है कि लगता नहीं है कि एक साथ खा पाएंगे लगभग 2-3 घंटा लग जाएगा ये रोटी खाते हुए सही बात है देख सकते हैं भाई बहुत मोटा रोटी है देखिए खा के देखते हैं यार पहले रोटी खाते हैं और रोटी खा के आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है गाइस अभी रात के बज रहे 12:30 तो अभी हम लोग आके पहुंचे हैं बक्सर में देख सकते हैं ये बक्सर स्टेशन आप लोग देख सकते हैं A few moments later. गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मॉर्निंग ब्लॉग कैसे आप सब मेरे ख्याल से गाइस गाइस मस्त अभी मैं सो के उठा हूँ अभी सुबह के बजाय
साथ तो रात के लगभग 2 बजे सोया था मैं। भाई साहब इतना मस्त दिन होना क्या बताया आप लोगों को। भाई जैसे सो के उठा अभी बाथरूम गया, देखते हैं बाथरूम में इतना कचरा भरा है भाई, ना ही बराबर पानी आ रहा, देख सकते हैं आप। ये भगवान क्या जुलुम है लोग, कुछ भी पानी नहीं आ रहा है, बाथरूम भी क्लियर नहीं है यहाँ का। भाई ये जीतू बोगी बहुत ही खराब बोगी मिला हम लोग को, और सीट के पास जाते हैं वहाँ लाइन आता और जाता है, ये बोगी में पूरा भरा हुआ है ऐसे यार, पूरा कचरा भरा हुआ है। आप लोग कुछ कीजिए, रेलवे वालों से कुछ कीजिए आप लोग। टेंशन लेना मत, टेंशन कोई कह रहे खुला नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो विकास, ओ विकास आजा आजा, दिमाग खराब हो गया दे दो ना। उसके बाद बहुत मजा है, उसके बाद वो मुर्गा खाता ना, मुर्गा का लेग पीस खाता वो। हाँ बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, 10 रुपए खुल जाए उससे ले, उससे ले लो, उससे मुर्गा का लेग पीस खाता वो। सुनो ना, इसने दिया। हाँ ये मेरा है, मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया मुझे। हाँ ये हम लोग को एक नए साथी मिले हैं, हमारे दोस्त प्रिय मित्र, जो कि हम लोग के उधर के नेपाल की है, हमारे पास के नेपाल बॉर्डर में। आपका नाम भैया? धुलावाड़ी पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। हम लोग हुए कादवा के और हमारे भाई हुए हैं धुलावाड़ी के नेपाल वाले, तो उनसे बात करके अच्छा लगा हम लोग मिले। हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग पास के गांव के ही हैं, तो मिलके अच्छा लगा। ये हमारे बड़े भाई देख सकते हैं उधर, और ये हमारे मोटा भाई। तो आप लोग क्या करने के लिए थे दिल्ली? दिल्ली में मैं एमएससी करने के लिए गया था। कल गाड़ी चढ़े 7 बजे से बागडोरा जाऊंगा, बागडोरा से धरूंगा, फिर इसमें गाड़ी लेंगे पांडेगी जाऊंगा, पांडेगी से नेपाल फिरूंगा, नेपाल से आप 15-20 दिन में मेरा फ्लाइट जाएंगे यूरोप। मेरा बड़ा भैया जाएंगे, मैं भी जाऊंगा यूरोप। छबीला लोली। अभी हम लोग आगे पहुंचे हैं कटिहार जंक्शन में, तो देख सकते हैं ये है कटिहार स्टेशन, बहुत बड़ा स्टेशन है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, बड़ा स्टेशन है, देखिए आप लोग। तो अब कुछ ही घंटों के बाद हम लोग घर पहुंचने वाले हैं ठाकुरगंज। हम लोग का सुबह का नाश्ता है पूरी और सोयाबीन ले चुके हैं, जो कि है इसका प्राइस है 230 रुपये। खाने में थोड़ा बढ़िया है, मजा भी आ रहा है। ये लोग को देखिए, ये बिन बुलाए बराती सब आ चुके हैं खाने के लिए। क्या कर रहे हैं यार तू? अभी हम लोग आगे पहुंचे हैं किशनगंज में, तो ये है अपना जिला किशनगंज। तो बस आधे घंटे में आप लोग हम लोग होंगे घर में। गाइस हम लोग पहुंच चुके अपना ठाकुरगंज, तो भाई साहब खुशी, बहुत दिनों के बाद आए ठाकुरगंज, लगभग 15 दिन के बाद। अब जाएंगे घर और उसके बाद करेंगे फुल एंजॉय। तो भाई साहब भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी है, तो चलते हैं घर और घर में कुछ खाते हैं, भाई पूरी तरह थक चुके हैं।